हेलो गाइस, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इन्वेस्टिंग। कैसे हम पैसा अपना इन्वेस्ट करें ताकि हम जाके आगे प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में रहें और जो रोज़ हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम सर विन तो करते हैं, अच्छी विनिंग स्ट्रीक तो हमारी अच्छी चलती है, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो हम कुछ विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, हम फ़ायदे में नहीं रह पाते हैं। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज एक प्लान के बारे में, जिसको आप आज से फॉलो करेंगे तो आप अच्छा खासा कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान शुरू करें, उससे पहले एक आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं यहाँ से दे दूँ कि अगर आपका पर मैच का बजट 50-100 ऐसा है तो आप बिल्कुल भी फैंटेसी खेलना छोड़ दें। मेरी ये एडवाइस रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो आपका अगर ये बजट है तो आप कॉन्टेस्ट जाहिर सी बात है खेलोगे, मोस्टली 17-19 ऐसे जो लो रेट के कॉन्टेस्ट होते हैं ये कॉन्टेस्ट खेलोगे। यहाँ पर आपको मिलेंगे एक्सपेरिमेंटल लोग, तो जिससे होगा आपका बैक टू बैक लॉस, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होगा। तो इसलिए आपका पर मैच का बजट हमेशा 200 से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो जितना भी हो, लेकिन वो 200 से 300 एक एवरेज बंदे का बजट होना चाहिए पर मैच का। अगर आपका बजट इतना नहीं है 200 से 300 तो मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट में ओवरऑल नहीं आ पाओगे। सुबह आप उठे, आपने शेड्यूल देखा दिन में कौन से अच्छे मैच हैं, सपोज़ 5 अच्छे मैच हैं तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1500 रुपीज़ होने चाहिए, तब जाके तो आप प्रॉफिट उससे निकाल पाओगे। अदरवाइज़ आप सोचो कि कहीं मैंने 100 लगा दिए, कहीं मैंने 500 लगा दिए, तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो लोग ये गलती करते हैं कि 100 वाले बजट वाले लोग, वो फैंटेसी को थोड़ा सा ब्रेक लें, अपना जो भी काम करते हैं रियल लाइफ में प्रोफेशनली उस पर फोकस करें, थोड़ा सा पैसा अलग करें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हमें कैसे खेलना है। इसलिए 200 से 300 मिनिमम बजट आपका होना चाहिए एक मैच के लिए। बात करते हैं गाइस इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो हमारा है कि इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप एक मैच में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ से देखेंगे कि मैं एक जनरल बात करूँगा यहाँ से कि सपोज़ ये मैच है इंडिया का, इंडिया पाकिस्तान का, चलो पाकिस्तान को ही ले लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच है। अब इस मैच में आपका बजट एक 500 रुपये होना ही चाहिए, मतलब होना चाहिए, मतलब मैं एक जनरली बता रहा हूँ कि जैसे आपका बजट 500 है, आपका 300 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 50000 भी हो सकता है। आपने कहा मुझे इस मैच में 500 रुपये लगाने हैं, तो 500 आपको किस तरीके से लगाने हैं, 200 रुपये आपको लगाने हैं दो मेंबर के कॉन्टेस्ट में, 200 रुपये आपको लगाने हैं तीन मेंबर के कॉन्टेस्ट में, तीन स्पॉट वाले में, और यहाँ पर 100 रुपये जो हैं वो आपको चार मेंबर में लगाने हैं। इससे गाइस क्या होगा बेनिफिट, जो कुछ आपको अपोनेंट्स मिलेंगे, हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग तरीके के अपोनेंट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि यहाँ पर आपने सबसे पहले तो तीन मेंबर खेला, यानी सेफ भी खेला, दो मेंबर खेला और ज़्यादा सेफ खेला, चार मेंबर खेला, रिस्क भी ली। तो एक ही मैच में आप तीनों चीज़ कर भी पाएंगे और जो प्रॉफिट आपका होगा वो 200 से अगर हम दो मेंबर की देखें तो 400 होना चाहिए, लेकिन कमीशन अगर हम हटा दें तो 180 रुपये करीब, 170 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीन मेंबर में हमने खेला तो 600 होना चाहिए, थोड़ा बहुत कमीशन हटा दें तो 550 रुपये करीब आपके आने चाहिए। यहाँ पर 100 रुपये आपने चार मेंबर में लगाए तो 400 तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, कमीशन वगैरह हटा के 300-350 रुपये आपके आने चाहिए। तो ये इस तरीके का प्रॉफिट आपका होगा गाइस। डाइवर्स इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट में आपको रिजल्ट करेगा, ये मैंने खुद भी अप्लाई की हुई है ये स्ट्रेटेजी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा सिंपल रहती थी, अगर मैं एक मैच कोई खेल रहा हूँ उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 125 वाला कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ तो मेरा दिमाग में हमेशा फिक्स रहता था कि 125 के 10 कॉन्टेस्ट लगाने हैं, बस 1250 रुपये एक मैच में इन्वेस्ट करना है, ख़त्म। लेकिन जब मैंने मल्टीपल कॉन्टेस्ट ट्राई किए और ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी, तब जाके मैं प्रॉफिट में आया। बिकॉज़ अगर 1250 हम लगा रहे हैं 10 कॉन्टेस्ट में तो यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ तीन मेंबर ही खेल रहे हैं, अब उसमें से कुछ लॉस होंगे कुछ विन होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो मेंबर भी हो गया, तीन मेंबर भी हो गया और चार मेंबर भी, तो इसमें हम क्या है बेनिफिट अच्छा खासा कर सकते हैं। बिकॉज़ कोई हमें कॉन्टेस्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं चार मेंबर के, कुछ कम दे के जा सकते हैं, कुछ हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना जो भी बजट है, जैसा मैंने बताया, सुबह जब आप उठते हैं तो आप देखिए कि आज चार मैच हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो चार मैच में मुझे सब में
300 रुपये लगाना है, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। आपका बजट 3 लाख भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, आपको हर मैच में 300 रुपये लगाने हैं, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और 300 किस तरीके से लगाने ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो कॉन्टेस्ट तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताऊँ कॉन्टेस्ट आप खुद भी देख सकते हो आपके हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म सही लगे आपको। हालांकि अगर आप एक मतलब 300 से 500 ही लगाने वाले हो हर मैच में, जैसा मैंने आपको बताया एक मिनिमम, तो मैं आपको कुछ फैंटेसी प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूँगा जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो, तो उसकी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है गाइस विजन 11। हम कॉन्टेस्ट की बात करेंगे जो हम देखेंगे। अभी मैंने कुछ कॉन्टेस्ट फेवरेट किए थे, एक वीडियो भी बना रहा था मैं इस वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम फिल्टर खोल लेते हैं कम वाला। अब कॉन्टेस्ट का मैं आपको सिर्फ फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप 300 से 500 एक मैच में लगाते हो तो आप जो ड्रीम 11 पॉपुलर एप्लीकेशन है उस पर ना लगा के आप एक बेसिक सा फ़र्क देख लो, आपको रेट में जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गाइस जो कॉन्टेस्ट होता है कौन सा है, 115, ये आपको फ़र्क यहीं समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, 100 रुपये भी आप मिनिमम विड्रॉ कर सकते हो, ये पॉइंटर काम नहीं कर रहा है। हो गया ड्रीम 11 पे सेम कॉन्टेस्ट 125 रुपये का है, 10 रुपये आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 325 सेम विनिंग है ड्रीम 11 के ऊपर, 3 मेंबर हैं, ठीक है, 10 रुपये आपसे सीधे सीधे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। अब वो कहते हैं हम इंस्टेंट विड्रॉल देते हैं, लोग यही कहते हैं ड्रीम 11 पे इंस्टेंट विड्रॉल मिलता है, तो भाई यहाँ भी आपको मिलेगा, क्या दिक्कत है आपकी। अगर आप, मैं सपोज़ 10 कॉन्टेस्ट ये वाले खेलता था तो मैं यहाँ 1150 के खेलता था, ड्रीम 11 पे सीधा 100 रुपये मैं ज़्यादा देता हूँ, तो वही फ़र्क है ना, यहाँ पर आप पैसा बचा सकते हो, ठीक है। अब ये एक कॉन्टेस्ट हो गया, एक जो पॉपुलर कॉन्टेस्ट एक और है 77 वाला जो ड्रीम 11 पे है, यहाँ पर गाइस 71 का पड़ रहा है, सीधा 6 रुपये आपका बच रहा है, सेम विनिंग है 200 रुपये, 3 स्पॉट, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट आपको 77 का मिलेगा ड्रीम 11 के ऊपर। तो ये गाइस आपको बेनिफिट ऐसे काफ़ी सारे मिल सकते हैं। 89 का कॉन्टेस्ट है ड्रीम 11 पे, 4 स्पॉट, 300 रुपये विनिंग, यहाँ पर आपको 4 रुपये बच रहे हैं। तो ये गाइस सिर्फ एक ये नहीं, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म सिखा देता हूँ, ये गाइस सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना सब A1 है। और मैं आपको अभी वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ, जो लोगों को लगता है कि सेफ नहीं है प्लेटफॉर्म्स, तो जिस जो हमारी फैंटेसी FIFS की एसोसिएशन है जो ड्रीम 11 को अप्रूवल देती है वही इन सब को देती है। इनके आगे डिटेल भी अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये गाइस जो एप्लीकेशंस हैं इस समय मैं आपको उसको साइड में रखते हुए अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे कम फीस अगर कोई ले रहा है स्मॉल लीग में तो विजन 11 आपसे ले रहा है। उसके बाद गाइस रियल 11 है, 11 चैलेंजर्स है, यहाँ से आपके पास बैट बॉल 11 है, फेंटा फीट है, ठीक है, चॉइस 11 है। ये गाइज ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। बाकी गाइज अगर आप ग्रैंड लीग प्लेयर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रैंड लीग में 8-10 हज़ार लोगों में खेलूं और 30-40 हज़ार, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये तक जीत जाऊं, सिर्फ 10,000-22,000 लोगों में, 20,000 लोगों में खेल के, तो आपको करना क्या है, आपको एक विजन 11 पे फोकस करना है यहाँ की ग्रैंड लीग्स पर, एक बैट बॉल की लीग्स पर, एक माय मास्टर 11 की लीग्स पर। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो लाखों में विनिंग्स देते हैं, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म पे ग्रैंड लीग में सिर्फ 12-20 हज़ार लोग ही खेलते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कहाँ आप ड्रीम 11 पे 45 लाख, 95 लाख लोगों के संग फाइट करते हो, आपकी सिर्फ एंट्री फीस ही वापस आ पाती है। कल आपने देखा होगा मेरी स्मॉल लीग टीम यहाँ पर कितना अच्छा करके गई, तो यही फ़र्क होता है। इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, आप बार बार ग्रैंड लीग जीत सकते हो, और ग्रैंड लीग जीतने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों जीतो करोड़ों जीतो, देखो पैसा इतनी आसानी से तो आ नहीं जाता किसी के पास, लेकिन जब आप बहुत कम लोगों में खेलोगे, अच्छी स्किल यूज़ करोगे, आपकी टीम अच्छी होगी, तो कई बार स्मॉल लीग टीम भी इन प्लेटफॉर्म्स पर ग्रैंड लीग उड़ा के ले जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं गाइस जो मैंने आपको बोला था एप्लीकेशंस के बारे में, तो गाइस अगर आप सेम स्ट्रेटेजी का फॉलो करते हैं और जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशंस बताए हैं यहाँ पर जो हमारे सारे एप्लीकेशंस थे, इन एप्लीकेशंस पे गाइस आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। देखो विजन 11 पे मिनिमम विड्रॉल है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये यहाँ पर भी है, 200 रुपये यहाँ है, यहाँ भी 200 है, इन दोनों की अभी थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने कई बार बोला है कि आप 200 से कम करिए, तो वो कम कर लेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। यहाँ मिनिमम 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ पर 100 है, सॉरी यहाँ, हाँ नहीं, यहाँ पर 200 रुपये, लेकिन अच्छा यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि आपको पहली बार दिन में अगर आप पहले दो बार जो आप पैसे निकालते हो अपने, तो आपको कोई 1 रुपये नहीं देना। और रियल 11 का विड्रॉल कैसा है कि आपने यहाँ पे विड्रॉल क्लिक किया रियल 11 पे और अपने एप्लीकेशन पे आके बैलेंस चेक किया और आपका पैसा आ जाता है। सेम गाइस 11 चैलेंजर्स का है, सेम विजन 11 का है, इन तीनों का इंस्टेंट विड्रॉल काफ़ी कमाल का है। फेंटा फीट का भी ऐसे ही है, बैट बॉल 11 से काफ़ी टाइम हो गया मैंने किया नहीं है, लेकिन इनके पास भी इंस्टेंट विड्रॉल है,
₹2 लेते हैं एक्स्ट्रा आपसे, और सेम यहाँ पर है माई मास्टर पे मिनिमम विड्रॉल ₹50 है, माई मास्टर 11 के ऊपर, प्राइम कैप्टन पे 100 है। तो ये गाइज ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन इन में से आप गाइज कोई भी चुन लो, ठीक है, किसी पर भी आपको खेलना हो आप उन पर खेलिए। जब आप गाइज साइन अप करें तो रेफ़र कोड ज़रूर यूज़ करें हमारा जो कि है BFTIPS। BFTIPS का इस कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डेली गिव अवेज होते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पर जो है कुछ ऐसा बोनस मिलेगा जो कि आपका हर कॉन्टेस्ट पे यूज़ हो सकता है। तो इसलिए गाइज आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अगर स्मॉली खेलें, देखो अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट कमाना है, जिस बंदे को इस फील्ड के अंदर टिक के रहना है उसको स्मॉली खेलनी ही पड़ेगी, 2-3-4-5 मेंबर खेलने ही पड़ेंगे। 2 मेंबर मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको जो है मतलब स्मॉल लीग्स खेलनी ही पड़ेगी, तब जाके आप रेगुलर प्रॉफिट अपना निकाल सकते हो। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर खेलिए, और जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक जो प्लान बताया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर हम जो है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने लगे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जो भी आप मैच खेलते हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश करें कि हर दूसरे दिन आप अपना पैसा विड्रॉ करें। जो बंदा विड्रॉ नहीं करता है वो समझ लीजिए कि आगे नहीं बढ़ सकता इस फील्ड में। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ से हमारी सैलरी आना ज़रूरी है ना, अगर हम कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न्स आना ज़रूरी है। तो मैंने भी शुरू में बहुत बार ये गलती की, बैट बॉल 11 पर जो मैं कुछ ग्रैंड लीग्स जीता था, स्मॉल लीग्स काफ़ी सारी जीतता था, तो मेरा बैलेंस करीब 87,000 या 90,000 कुछ था, ऐसा इतना मुझे याद है पिछले साल जनवरी में। अब मेरी गलती वही थी कि मैं विड्रॉ नहीं करता था, मैं सोचता था क्या करना है, जब ज़रूरत होती थी तो 1,500 निकाल लेता था, विड्रॉ नहीं करता था, पड़े रहने देता था। अब जब अकाउंट में आपके इतना पैसा पड़ा होगा तो दिक्कत पता क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जब हम कभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो हमारे मन में आ जाता है लालच, फिर हम ये स्ट्रेटजी अपनी फॉलो नहीं कर पाएंगे, ना हम देखेंगे कि हमें एक मैच में 500 करना था, हम तो अपना कॉन्फिडेंस देखेंगे और किसी भी मैच में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर देंगे, दूसरे में उससे कम कर देंगे। तो ये गलती हम हमेशा कर देते हैं जब हमारे पास पैसा पड़ा हो, इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना विड्रॉल लगाएं, और जो जैसा मैंने बोला 4-5 अगर मैच है तो उतना ही पैसा अपने वॉलेट्स में छोड़ें जितना ही कि आपको दिन भर में ज़रूरत पड़ेगी, बस उसके अलावा कोई पैसा यहाँ पर ना छोड़ें। तो टाइमली विड्रॉल जो करते हैं वो यहाँ पर फैंटेसी में प्रॉफिट में आ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपका पैसा यहाँ पर पड़ा रहेगा तो समझ लो जिस तरीके से मैंने 350 कुछ विड्रॉ किए थे 90,000 के, 80-90,000 के, तो आपका भी यही हाल हो सकता है, मतलब अच्छा खासा कमाने के बाद भी वो पैसा चला गया। तो यही होता है कई बार, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम है जो मैंने 5500 वाले और जो उससे भी महंगे कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग के 3 मेंबर वो खेले हों, लेकिन जब मेरे पास अच्छा खासा बैलेंस था तो मैंने खेले, और वही गलती हुई कि उनमें लॉस कभी हो जाता है कभी नहीं होता, कई बार तो बहुत वीक अपोनेंट्स मिलते हैं लेकिन कई बार स्ट्रॉन्ग भी मिलते हैं, तो मैंने वही गलती करी। अच्छा अगर वही मैं सेम इन्वेस्टमेंट हर मैच में करता 3500-5500 तो ठीक रहता, लेकिन मैंने सिर्फ एक दो 4-6 मैचेस में गलती करी महंगे महंगे कॉन्टेस्ट खेल के, वहीं पर जो है मैं उसकी रिकवरी नहीं कर पाया। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ हमेशा कि इक्वल इन्वेस्टमेंट इज़ द की, अगर आप हर मैच में इक्वल इन्वेस्ट करते हो तो वही आपके लिए सक्सेस की है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज़ क्या है, देखो अपन कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, कोई भी मैच मैं हमेशा इसलिए प्राइम में भी अपने कहता हूँ, लोग प्राइम जैकपॉट और प्राइम हाई इन्वेस्टमेंट करके बेचते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हाई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मैच नहीं बनाए। हाई इन्वेस्ट कब कर सकते हो, जब आप फील्ड पे जाके खेलने वाले हो, है ना, अपन तो खेलने वाले हैं नहीं फील्ड पे जाके, तो इसलिए हाई इन्वेस्ट के लिए कोई मैच नहीं बनाए। हर मैच मैच की तरह होता है, मैच में क्या होगा कब किसे होगा हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, लेकिन हम उसको 100% तो नहीं कर सकते। जो लोग प्राइम जैकपॉट करते हैं हाई इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई मैच हाई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैच कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, आप हमेशा अपना इक्वल इन्वेस्टमेंट रखें, चाहे आप टॉप पे हों आपकी खूब कमा रहे हो हर मैच भी विन कर रहे हो तो भी अपना इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप 500 लगाते हैं तो आपको 500 ही लगाना है, अगर आप 50,000 लगाते हैं तो आप 50,000 ही लगाइए, इन्वेस्टमेंट कभी अपना कम नहीं करिए ना कभी ज़्यादा करिए, बिकॉज मैचेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, 365 दिन मैच चलते हैं, ठीक है, 365 में से
65 दिन खाली छोड़ दो, 300 दिन क्वालिटी मैचेस होते हैं खेलने लायक, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये प्लान को फॉलो करो, और अगर इससे कोई बेनिफिट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, आज नहीं महीने भर बाद, दो महीने बाद भी जब भी आप ये वीडियो देखो, आपको अगर बेनिफिट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पर, और कमेंट्स तो कोई भी नहीं छोड़ता हूँ मैं, सारे ही नोटिफिकेशंस अपनी चेक करता हूँ टाइमली, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना, और अगर आपको अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर भी कर देना, उनका भी भला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो।